हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हर्षाय चोपड़ा। दोस्तों, सीएमसी वेल्यूर का मेडिकल फील्ड में वर्ल्ड में जाना पहचाना नाम है। इसका पूरा नाम कृष्ण मेडिकल कॉलेज है और ये तमिलनाडु के वेल्यूर में स्थित है। यह एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी की कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज होने के बावजूद भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसकी फीस गवर्नमेंट कॉलेज से भी कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी और हॉस्टल फैसिलिटी का तो कहना ही क्या है। इसके साथ अटैच हॉस्पिटल है, वो विश्व विख्यात हॉस्पिटल है। इस कारण यह मेडिकल कॉलेज फोर्थ रैंकिंग की कॉलेज है। एम्स दिल्ली, मौलाना आज़ाद और AFMC के बाद स्टूडेंट इसी को लाइक करते हैं। इसमें ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है। स्टूडेंट जिपमर में एडमिशन न लेकर पहले इसमें एडमिशन लेते हैं। प्योरली नीट स्कोर पर इसमें एडमिशन होता है। AFMC की तरह इसमें नीट के अलावा अन्य कोई किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। नीट 2016 तक इसमें नीट स्कोर के अलावा अलग से एग्जाम होती थी, मगर नीट 2017-18 व नीट 2019 में सिर्फ नीट से ही एडमिशन होता है। अगर आपका भी सपना सीएमसी वेल्यूर में एडमिशन लेने का है तो वीडियो को पूरा देखिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सीट कितने हैं, ट्यूशन फीस व एप्लीकेशन फीस कितनी होगी, नीट 2020 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, नीट 2018 व 2019 में कट ऑफ कितनी रही थी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य प्रेस कर दें ताकि कोई इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे छूट न जाए। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। दोस्तों, सीएमसी वेल्यूर में एडमिशन नीट स्कोर पर होता है, इसलिए आपको नीट एग्जाम देना होगा। इसके अलावा इसमें एडमिशन के लिए आपको फरवरी की लास्ट वीक में सीएमसी वेल्यूर द्वारा MBBS व अन्य कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको इसकी वेबसाइट admission.cmcvellore.ac.in पर MBBS के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। सीएमसी वेल्यूर में एडमिशन के लिए आपको सीएमसी वेल्यूर की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इसके MBBS के लिए बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव फीस ₹800 है और रजिस्ट्रेशन फीस ₹500 है। इसके लिए आपको ये फॉर्म भरने के लिए ₹1300 की फीस देनी होगी, जो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड या फिर ICICI बैंक के चालान से भी डिपॉजिट कर सकते हैं। अभी इसमें आपको जैसे ही नीट का रिजल्ट आ जाता है, तो नीट का रिजल्ट आ जाने के बाद में आपको नीट का स्कोर अपडेट करना होगा। तो आपको सीएमसी वेल्यूर की वेबसाइट पर जाना है। इसकी वेबसाइट पर जाने के बाद इंटर नीट स्कोर लिखा है, इस पर क्लिक करके जो भी आपका नीट का स्कोर आया है वो यहाँ अपडेट करना होगा। इसके बाद में जैसे ही ये नीट स्कोर अपडेट हो जाएगा, ये तमिलनाडु सिलेक्शन कमेटी फॉर MBBS एडमिशन के लिए फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तमिलनाडु की काउंसलिंग के लिए। तो जब भी तमिलनाडु स्टेट द्वारा MBBS काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरे जाएंगे, आपको मैनेजमेंट कोटा इन सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट में फॉर्म अप्लाई करना है। इसकी काउंसलिंग फीस ₹1000 है और इसकी वेबसाइट www.tnhealth.org या फिर tnmedicalselection.org या फिर tnmedicalselection.net पर भी इसके फॉर्म अवेलेबल होते हैं काउंसलिंग के लिए। तो वहां भी आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे ही आप इसकी तमिलनाडु स्टेट की काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे, वहां से आपको रैंक नंबर व AR नंबर मिल जाएंगे। तो ये रैंक नंबर और AR नंबर आपको सीएमसी वेल्यूर की वेबसाइट पर अपडेट करना है। तो इसकी वेबसाइट पर जाने के बाद में यहाँ इंटर TN मैनेजमेंट कोटा एप्लीकेशन डिटेल्स लिखा है, इस पर आप ये नंबर अपडेट कर सकते हैं। इसमें इसके बाद में ये नंबर अपडेट करने के बाद में आपको तमिलनाडु काउंसलिंग कमेटी द्वारा काउंसलिंग करवाना है। जो भी उसका शेड्यूल होगा, उस शेड्यूल के अनुसार आपने काउंसलिंग करवानी है। मेरिट में आते हैं तो आपको काउंसलिंग अथॉरिटी द्वारा एडमिशन लेटर दे दिया जाएगा और आप सीएमसी वेल्यूर में डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करके एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो जानकारी थी कि हमने इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है।
अभी हम आगे बात करेंगे कि इसमें सीटें कितनी हैं, इसके बाद में इसमें कौन कौन सा कोटा होता है और इसकी ईयरली फीस कितनी है। तो इसमें तीन प्रकार का कोटा होता है। तो सबसे पहले होता है ओपन कोटा। ओपन कोटा में किसी भी कैटेगरी का, किसी भी स्टेट का कोई भी कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है, इसमें स्टेट की कोई बाध्यता नहीं है। इसके बाद में इसमें माइनॉरिटी नेटवर्क का कोटा है, इसमें चर्च द्वारा स्पॉन्सर किए हुए कैंडिडेट ही एडमिशन ले सकते हैं इसमें। इसके बाद में तीसरा जो कोटा है वो सीएमसी वेल्यूर स्टाफ कोटा है, जो इसमें सीएमसी वेल्यूर में एम्प्लॉय हैं उनके वार्ड्स के लिए इसमें ये कोटा है। इसमें ओपन कोटा की टोटल 16 सीट है। एक सीट इसमें सेंट्रल पूल कोटा के लिए रिजर्व है। सेंट्रल पूल कोटा में इसमें डिफेंस पर्सनल, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो सेंट्रल कोटा होते हैं, या फिर स्टेट के कुछ स्टेट जिनमें मेडिकल कॉलेज नहीं है उनका सेंट्रल पूल कोटा होता है, तो उनके लिए एक सीट रिजर्व है इसमें। इसके बाद में जो तीन सीट हैं वो SC ST कैंडिडेट के लिए हैं, और बाकी जो रिमेनिंग सीट हैं वो सभी कैटेगरी के लिए हैं इसमें। ओपन के लिए, ओपन कैटेगरी के अंदर ऑल इंडिया का किसी भी स्टेट का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है इसमें। इसके बाद माइनॉरिटी नेटवर्क के लिए इसमें 74 सीट हैं। इसमें जो चर्च द्वारा स्पॉन्सर किए हुए कैंडिडेट हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद में सीएमसी वेल्यूर स्टाफ का कोटा है वो 10 सीट है। इसमें जो सीएमसी वेल्यूर में एम्प्लॉय हैं उनके वार्ड्स के लिए 10 सीट रिजर्व हैं इसमें। तो इस प्रकार से इनका सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद में हम बात करें इसके फीस की, तो इसमें जो फर्स्ट ईयर की फीस है वो टोटल 48,530 है। इसमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। ट्यूशन फीस इसमें 3,000 रुपीज है। वन टाइम कॉलेज फी एट एडमिशन के टाइम में जो एडमिशन फीस है वो 8,800 है। इसके बाद में अदर एनुअल फीस है वो 23,305 रुपीज है। और वन टाइम पेमेंट फॉर यूनिवर्सिटी के लिए इसमें जो फीस है वो 13,425 है। तो ये टोटल मिला के 48,530 रुपीज फर्स्ट ईयर की फीस है इसमें। जो हॉस्टल फीस डिपॉजिट चार्जेज है वो 10,000 मैन के लिए है और 6,000 वुमेन के लिए है। तो इस प्रकार से इसमें हॉस्टल की भी फीस अलग अलग दे रखी है, और इसमें जो फीस दे रखी है फर्स्ट ईयर की वो भी फीस अलग है। इसके बाद में जो बाकी ईयर की जो बचे हुए ईयर से सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, तो इसमें 31,600 इसमें फीस है आगे सभी ईयर्स के लिए। तो इस प्रकार से इसकी बाकी कॉलेजों को देखते हुए काफी कम फीस है। इसके बाद में आपको एडमिशन के टाइम में जो डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करने हैं वो सीएमसी वेल्यूर में डिपॉजिट करने हैं। ये 13 टाइप के डॉक्यूमेंट्स जो आप देख रहे हैं ये आपको सीएमसी वेल्यूर में डिपॉजिट करने हैं। इसमें सबसे पहले तो अलॉटमेंट लेटर जो तमिलनाडु सिलेक्शन कमेटी द्वारा आपको दिया जाएगा मेरिट में आने के बाद में, वो डिपॉजिट करना है। 10th 12th की मार्कशीट और नीट स्कोर जो रिजल्ट शीट है वो डिपॉजिट करनी है। डेट ऑफ बर्थ के लिए सर्टिफिकेट, या फिर आप 10th की मार्कशीट डिपॉजिट कर सकते हैं। कम्युनिटी सर्टिफिकेट यदि एप्लीकेबल है तो वो डिपॉजिट करना है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और 4 पासपोर्ट साइज की कलर फोटोग्राफ आपको डिपॉजिट करना है। तो इस प्रकार के ये डॉक्यूमेंट्स जो इसमें लिखे हुए हैं ये आपको एडमिशन के टाइम में डिपॉजिट करने हैं। इसके बाद में जो सेंट्रल पूल कोटा की जो एक सीट है वो सीट के लिए जो सेंट्रल पूल कोटा के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इसमें एक तरह से कैटेगरी दी हुई है उस कैटेगरी में, और अथॉरिटी जहां आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है वहां पर ये एड्रेस दिया हुआ है, तो ये आप इसमें देख के वहां भेज सकते हैं अगर आप सेंट्रल पूल कोटा के लिए एप्लीकेबल हैं तो। सेंट्रल पूल कोटा का मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं कौन कौन से कैंडिडेट कौन कौन से सेंट्रल पूल कोटा के अंडर आते हैं। अब हम बात करेंगे नीट 2020 में सीएमसी वेल्यूर की कट ऑफ क्या रहने की संभावना है। तो दोस्तों सीएमसी वेल्यूर की कट ऑफ काफी ज्यादा हाई रहती है क्योंकि ये 4th रैंकिंग की कॉलेज है। नीट 2018 में इसकी कट ऑफ 621 मार्क्स रही थी। नीट 2019 में इसकी 661 यानी 661 कट ऑफ रही है, लेकिन नीट 2020 में कट ऑफ कम रहेगी क्योंकि एम्स व जिपमर में एडमिशन नीट के थ्रू होने से काफी होम स्टेट के टॉप कैंडिडेट्स अपने अपने स्टेट के एम्स में एडमिशन ले लेंगे। काफी स्टेट
काफी कैंडिडेट जिपमर में भी एडमिशन लेना चाहेंगे, तो इसकी कट ऑफ है बाकी ईयर से कम रहने की संभावना है, तो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो रहेगी 620 से 630 के नियर बाई। तो दोस्तों ये जानकारी थी सीएमसी वेल्यूर के बारे में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।